नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव केसरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इंट्राडे मेंटर्स कॉल पे। दोस्तों, जैसा कि वीडियो का टॉपिक है निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर टुमारो, बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर टुमारो, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं कहां पास अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। और दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस में मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था मार्केट यहां से गैप अप तो ओपन होगा, लेकिन यहां पे ये होल्ड नहीं करेगा इस लेवल को और एक ये सीवियरली फॉल होगा। एज पर माई एक्सपेक्टेशन मार्केट सेम ऐसे ही चला, ठीक है। मैंने इसका कारण भी बताया था कि यहाँ से ये क्यों नीचे की तरफ फॉल होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी स्टॉक्स हो, कोई भी करेंसी हो, किसी भी देश की करेंसी हो, सब के सब केवल एक रूल फॉलो करते हैं फ्रेंड्स, वो है सप्लाई डिमांड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। दोस्तों, सप्लाई डिमांड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ही एकमात्र अल्टीमेट टूल है जिसकी वजह से आप मार्केट में प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंटली रह सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी टेक्निक होती है ये, जो कि एक बार अगर आप लोगों के समझ में आ गई तो आप इसे लाइफ टाइम पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में लाइव आपके सामने लेवल बनाता हूं फ्रेंड्स, लाइव आपको समझाता हूं कि क्या होता है, कैसे होता है। तो इस चीज को समझिए, निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देख लेते हैं कि मैंने आपको जैसा कि आपको यहाँ पर बताया था कि ये गैप अप ओपन होगा, उसके बाद एक सीवियर फॉल आएगा, सेम वैसा ही हुआ। 17773 यानी 17770 के आसपास या इसे ऊपर खुला है दोस्तों, फिर उसके बाद ये गिरा है। कहाँ तक गिरा है? 17658 तक गिरा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये एक लेवल था जहाँ से ये रिएक्ट करके ऊपर चला गया दोस्तों, ये एक डिमांड का जोन था, ठीक है। मैं इस पर इसलिए कन्फर्म नहीं था क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वालिटी का कुछ दिख नहीं रहा था, इस वजह से मैं यहाँ पे कन्फर्म नहीं था फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आपको ये लेवल नहीं बताया था। लेकिन अल्टीमेटली यहीं से ये रिवर्स होकर के ऊपर चला गया दोस्तों, जैसा कि आज मंथली एक्सपायरी थी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है अगले दिन के लिए। तो देखते हैं, जैसा कि ये निफ्टी का 1 आवर का चार्ट खुला हुआ है दोस्तों आप लोग के सामने पे, मैंने एक ये डिमांड जोन आपके सामने मार्क किया हुआ है। ये लेवल है 17570 रुपये का, 573 रुपये का, ठीक है। अगर इस जोन पे मार्केट आता है तो हम यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन इनिशिएट करेंगे और निफ्टी को ऊपर लेकर के जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर इस लेवल के नीचे खुलता है मार्केट तो हम फिर इस लेवल की तरफ देखेंगे। ये 17330 का लेवल है दोस्तों, लेकिन अभी ये बहुत दूर है तो बेहतर है, देखते हैं अभी आगे क्या हो सकता है दोस्तों। और इसके ऊपर का जो लेवल है दोस्तों, ठीक है, इसके ऊपर का जो लेवल है, जैसा कि एज पर माई एक्सपेक्टेशन मार्केट कल गैप अप ओपन होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर का जो लेवल है वो मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा निफ्टी के वनडे के चार्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स। निफ्टी के वनडे के चार्ट पे चलते हैं तो हमें यहाँ पे कई सारे हर्डल्स मिलेंगे ऊपर में। एक लेवल तो ये हो गया सप्लाई का, ठीक है। ये लेवल जो है 17609 से लेकर के 17919 रुपये का है, ठीक है। दूसरा जो लेवल बना है दोस्तों, जहां से आज मार्केट फॉल किया है, वो दूसरा लेवल ये है दोस्तों, ठीक है। दूसरा लेवल ये वाला है, ठीक है, जो कि आज वर्कआउट हो गया है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे, तो कई सारे लेवल हैं, ठीक है, जिसे मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर हम इसके एक टाइम फ्रेम और ऊपर जाएंगे दोस्तों, एक टाइम फ्रेम जस्ट और ऊपर जाएंगे वीकली पे, अगर हम वीकली के टाइम फ्रेम पे जाएंगे फ्रेंड्स, तो यहां पास हम देखेंगे ये वो पॉइंट है जहां से कई बार मार्केट रिएक्ट किया है दोस्तों, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहां से कई बार मार्केट रिएक्ट करके नीचे की तरफ गिरा है, ठीक है। तो ये क्रूशियल लेवल होगा 18096 यानी 18100 का, और 18000 वैसे भी एक साइकोलॉजिकल नंबर है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ऊपर की तरफ पॉजिटिवनेस तो है, लेकिन यहाँ पे हर्डल्स बहुत ज्यादा है। तो मैं कहूंगा कि बेहतर है कि अभी लॉन्ग की पोजीशन बनाने से अच्छा है वेट करें दोस्तों, वेट करें, क्योंकि तो हमारे पास एक अच्छा डिमांड का जोन नहीं है फ्रेंड्स, अपने पास एक अच्छा डिमांड का जोन नहीं है।
इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ वेट करें। मार्केट किसी भी तरफ किसी भी टाइम यू टर्न ले सकता है दोस्तों, नीचे की तरफ जा सकता है, बिकॉज इसके पहले इस डिमांड जोन के पहले हमारे पास कोई ढंग का डिमांड जोन नहीं है। ठीक है, तो बेहतर है हम वेट करते हैं। ठीक, एक और चीज मैं आपको यहाँ पास दिखाना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप निफ्टी को देखेंगे लास्ट 2 डेज से, पहला चीज तो क्या कि अपना ट्रेंड तो अपी है, लेकिन लास्ट 2 ट्रेडिंग डेज से जो हमारा निफ्टी है वो एक साइडवे जोन में फंसा हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये वो जोन है, ये एक साइडवे जोन है जिसमें कि ये फंसा हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ठीक है, आज भी सेम टू सेम वैसे ही चला। ठीक है, कल देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक, अगर हमें लाइव मार्केट में एक अच्छा जोन मिलता है तो हम डेफिनेटली उसके साथ जाना चाहेंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, मुझे ऐसे कोई पॉसिबिलिटीज नहीं लग रही है। कल भी मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, लेकिन एज पर माई एक्सपेक्टेशन अगेन एक सीवियर फॉल देखने को वहां पास मिल सकता है फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से निफ्टी का ऑप्शन चेन का डाटा देख लेते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स आपके सामने ये निफ्टी का 3 नवंबर एक्सपायरी का ऑप्शन चेन का चार्ट लगा हुआ है फ्रेंड्स। तो ये 3 नवंबर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आज की एक्सपायरी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है ये कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं जो कि मद्दी की पोजीशन ये कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं जो कि मद्दी की पोजीशन बनाने के लिए बैठे होते हैं, और ये पुट राइटर्स हैं ये तेजी की पोजीशन बनाने के लिए बैठे होते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो कॉल राइटर्स का डाटा है वो 31 लाख, 36 लाख, 24 लाख, 38 लाख। ठीक है, एज कंपेरिजन टू पुट राइटर 29 लाख, 25 लाख, 26 लाख। ठीक है, थोड़ा सा जो डाटा है वो मुझे इक्वली नजर आ रहा है। ठीक है, कॉल राइटर साइड भी मतलब थोड़ा सा थोड़ा बहुत ही चेंजेस है एज कंपेरिजन टू पुट राइटर, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। इट कैन बी मतलब कभी पलट सकता है, कभी भी लोग इंस्टीट्यूशनल कभी भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पास आपको नजर पे आ जाएगा। अगर यहाँ पास कोई बल्क पोजीशन बनती है तो यहाँ पास का जो डाटा है वो इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और अगर ये गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पास ये जो 36 लाख लोग बैठे हुए हैं इसको स्कॉट करके मध्य की पोजिशन बना करके 31 लाख लोग, ये लोग डेफिनेटली अपनी पोजिशन यहाँ पास से एग्जिट करना पसंद करेंगे। तो देखते हैं क्या हो सकता है फ्रेंड्स निफ्टी में कल के दिन। चलिए फटाफट से बैंक निफ्टी का चार्ट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी भी गैप अप तो ओपन होगा, ठीक है, नो डाउट इसमें गैप अप ओपन होगा, लेकिन यहाँ से एक सीवियर सा नीचे की तरफ फॉल देखने को मिल सकता है क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी थी। मैंने इसका रीजन भी बताया था, जिन लोगों ने यहाँ पे जिन इंस्टीट्यूशनल्स ने या जिन बल्क मनी मार्केट मूवर्स ने यहाँ पास अपनी पोजीशन बनाई होगी नीचे से मार्केट को ऊपर लेके आए हैं, ये मंथली एक्सपायरी है, वो लोग यहाँ पे डेफिनेटली अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे। और जब वो अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पास कुछ ना कुछ बेरिशनेस देखने को मिल सकती है। सेम वैसा ही हुआ मार्केट में दोस्तों आज, और ये एक लेवल था जहां से मार्केट यहाँ से रिएक्ट करके इसके ऊपर से रिएक्ट करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक, और बैंक निफ्टी में आपका एक साइडवे जोन पे फंसा हुआ है जो कि ये वाला जोन है। ठीक है, तो देखते हैं इस पे क्या हो सकता है, कल कहाँ मार्केट ओपन होता है, मे बी गैप अप हो सकता है। ठीक है, चलिए एक टाइम फ्रेम और ऊपर चलते हैं, समझते हैं बैंक निफ्टी को भी। अगर हम यहाँ पे एक टाइम फ्रेम और ऊपर चलेंगे दोस्तों तो हम यहाँ पास देखेंगे जो बैंक निफ्टी है यहाँ पे भी एक लेवल है डेली का सप्लाई जोन का। ठीक है, जो कि बड़ा लेवल है। ठीक है, अभी इस जोन को जोन पे मार्केट टिका हुआ है, कई बार यहाँ से रिएक्ट किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पास आएगा दोस्तों ये बहुत ही क्रिशुअल है, कई बार मार्केट यहाँ से रिएक्ट करके, अगर आप देखेंगे यहाँ से भी रिएक्ट किया, यहाँ से भी रिएक्ट किया, 1, 2, 3, 4 बार यहाँ से रिएक्ट किया। ठीक है, 1, 2, 3, 3, 4 बार इधर से भी रिएक्ट किया, तो मे बी क्या लाइफ टाइम हाई के आसपास है दोस्तों, तो मे बी फिर से रिएक्ट कर सकता है। तो देखते हैं क्या हो सकता है मार्केट में। ठीक है, फिलहाल बैंक निफ्टी में अभी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप यहाँ पास लॉन्ग की पोजीशन लें, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास ये जाने के बाद फिर से कई बार रिएक्ट कर चुका है, तो वहाँ पास थोड़ी सी असमंजस सी स्थिति बनी होगी। बेहतर है कि अभी बैंक निफ्टी को अवॉइड करें लॉन्ग करने पे, अगर कुछ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनती है तो आप डेफिनेटली उसके साथ जा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में अभी एज ऑफ नाउ
कोई अभी लाइफ में कोई आज की डेट पे कोई ढंग का लेवल नहीं बना हुआ है फ्रेंड्स, ना डिमांड का ना सप्लाई का, सप्लाई का इमीडिएट सप्लाई ना बनी है ना ही इमीडिएट डिमांड बनी है। तो देखते हैं कल के दिन मार्केट में क्या होता है, बेरिशनेस रहती है कि बुलिशनेस रहती है। ये तो डेफिनेटली है कि मार्केट क्या है कि गैप अप ओपन होगा बिकॉज ऑल मार्केट्स आर इन पॉजिटिव। चलिए फटाफट से बैंक निफ्टी का वही ऑप्शन चेन का चार्ट डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने बैंक निफ्टी का 3 नवंबर का ऑप्शन चेन का चार्ट लगा हुआ है क्योंकि आज की एक्सपायरी खत्म हो चुकी है दोस्तों, अब ये नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी पे जा चुका है। तो ये कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं जो कि मध्य की पोजीशन बनाने के लिए बैठे होते हैं, ये जो पुट राइटर्स होते हैं ये तेजी की पोजीशन बनाने के लिए बैठे होते हैं फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो डाटा दिख रहा है वो 8 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 4.9 लाख, 8.8 लाख, 42,000 पे, तो थोड़ा सा डाटा जो है वो कॉल राइटर्स का ज़्यादा है इस कंपेरिजन टू पुट राइटर। 2.7 लाख, 4.4, 4.4, 2.0, 7.1 एक अच्छा है 41,000 पे, 7.1 लाख का। तो देखिए हो सकता है कि यहाँ पास अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 41,500 के ऊपर ओपन होता है तो यहाँ पास हो सकता है मे भी ये जो लोग हैं ये अपनी पोजिशन एग्जिट करना शुरू कर दें, जिस वजह से एक लॉन्ग की रैली देखने को मिल सकती है यहाँ पे। तो देखते हैं क्या हो सकता है फ्रेंड्स मार्केट में। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में, मार्केट के इस एनालिसिस में मैंने आपको बता दिया निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में क्या करना है, कल के दिन पे कहाँ पास अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहाँ पास आपको ट्रेड नहीं करना है दोस्तों, ठीक है, कहाँ पास आपको गलत ट्रेड नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों आज के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में बस इतना ही, थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।